आप सभी लोग, मैं शुभम शर्मा, अपने एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बिग डैडी, जो एसयूवीज की बिग डैडी है, उसके छोटे भाई के बारे में। ठीक है, मतलब चाचा जी बोल सकते हो आप इस गाड़ी को, और मतलब लीजेंड्स की फेवरेट गाड़ी रही है। मतलब आज स्कॉर्पियो एन आपकी आ चुकी है, लेकिन इसकी फिर भी जो फैन फॉलोइंग है, और मतलब जो इसका फैन फॉलोइंग है, फेवरेट, मतलब ऑल ऑफ द फेवरेट गाड़ी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की गाड़ी की। आपको मैं पूरा जिसमें क्लासिक आई है, इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करके महिंद्रा द्वारा दिए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं एज यूजुअल, जैसे हम इसके गाड़ियों का रिव्यू स्टार्ट करते हैं उसकी की से। ठीक है, ऐसी कुछ आपको इसमें की देखने मिलती है। ठीक है, ये आपको इसमें कवर लग रहा हुआ है, एसेसरीज का पार्ट, लॉक अनलॉक, और ये एयरलाइट ऑन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, और अब बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। ठीक है, ऐसी कुछ फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलती है, जो काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी मतलब काफ़ी प्रीमियम गाड़ी लगती है। ठीक है, आपको बोला जाए ना तो एसयूवीज का ट्रेंड इसी गाड़ी को देख के, इसी को बोलेरो को देख के ही आया था। ठीक है, तो बात करते हैं इसके फ्रंट से। ठीक है, ऐसा भी जैसे उसमें लोगो आपको नया महिंद्रा का लोगो देखने को मिलता है, ऐसी भी आपको ग्रिल देखने को मिलती है, जो कि आपको क्रोम फिनिश में ही देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें आपको बम्पर्स में भी चेंज किया गया है, और ऐसे भी इसके DRLs हैं, और यहाँ पे इसके हेडलाइट्स हैं, जो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी यूनिट है। एक DRL यहाँ पे आपको दिया गया है, और यहाँ पे आपको फॉग लैंप भी दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका इसका क्या डिफ्यूजर्स है, जो कि एक एसेसरीज का पार्ट्स है। ठीक है, सामने से आपको इसमें एयर इनटेक भी दिया गया है, जो कि अब सिर्फ एक शोपीस का है, इसमें अब आपको सिर्फ ओनली शोपीस दिया गया है। तो अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। ऐसी इसकी कुछ साइड प्रोफाइल देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब काफ़ी चेंज तो नहीं किया है, काफ़ी दिनों, काफ़ी टाइम से यही चला आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं इसके टायर के बारे में। ऐसा कुछ आपको इसमें अलॉय व्हील देखने को मिलता है, क्योंकि सिल्वर और ब्लैक दोनों के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, चेकआउट कर देता हूँ इस टायर की प्रोफाइल आपको। इसमें आपको 235/65R17 इंचेस के आपको इसमें अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। इसमें आपको डिस्क ब्रेक भी फ्रंट में ही देखने को मिलता है, रियर में कोई भी डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता है। इंडिकेटर आपको फेंडर पे देखने को मिलता है। ये मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, ये एस इलोन जो क्लासिक में टॉप आएगा, अब क्लासिक में आपको स्कॉर्पियो में दो ही मॉडल देखने को मिलेंगे, एक तो S5 और एक S11, है ना, जो कि ये S11 है। ठीक है, ऐसे कुछ इसके साइड और भी हमसे जो कि काफ़ी बड़े आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको कोई भी ऑटो फोल्ड अनफोल्ड देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये डोर वाइजर, ये एक्सेसरीज का पार्ट्स है। ठीक है, और पीछे कुछ आपको इसमें ऐसे अलॉय व्हील, सेम अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं पीछे की साइड में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो भाई रियर प्रोफाइल क्या गजब लगता है इस गाड़ी का, बहुत इन माय पर्सनल बहुत गजब लगता है ये इसका रियर प्रोफाइल। ठीक है, इसमें आपको महिंद्रा का न्यू लोगो पियानो ब्लेस फिनिश इसमें दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, और इसमें आपको पीछे की साइड डिफोगर्स, वाइपर, हाई माउंट स्कॉपलर, स्पॉइलर। ठीक है, और यहीं पर स्पॉइलर में आपको वॉशर भी दिया गया है। ठीक है, और ऐसे में इसका इसके टेल लैंप देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छे ये लग रहे हैं। ठीक है, और ये आपका एसेसरीज का पार्ट है। ठीक है, ये आपके टेल लाइट्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसमें आपको स्कॉर्पियो लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी मतलब प्रीमियम फील दे रही है। ठीक है, अब ये लगती है कि भाई साहब कितनी प्यारी गाड़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंटीरियर्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको स्कॉर्पियो की यहाँ बेजिंग दिखने मिलती है, क्लासिक लिखा हुआ है, और यहाँ आपको S11 की बेजिंग दिखने मिलती है, माइक्रो हाइब्रिड, अभी भी इसमें माइक्रो हाइब्रिड ही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और इसमें आपको देखो यहाँ पर रूफ रेल्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि एसेसरीज का पार्ट वहाँ पर आपका अमाउंट स्टॉक रहेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, और यहाँ से आपको ऐसी भी चीज़ को लुक करके आती है, जो कि काफ़ी अच्छी, काफ़ी प्रीमियम में देखने में लग रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, कैसे आपको इसके इंटीरियर देखने को मिलता है। ठीक है, कितना स्पेस आपको भैया ऑफर किया जाता है। ठीक है, इसका व्हील बेस जो आपको दिया जा रहा है ना इस गाड़ी में, आपको 2680 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी एक्चुअल में काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, जो कि आपको वो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, 209 mm का आपका इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में आगे, कैसे आपको इसका इंटीरियर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का इंटीरियर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके पावर विंडोज के कंट्रोल, यहाँ आपको थोड़ा सा फैब्रिक टच दिया गया है, पियानो में फिनिश, डोर लॉक अनलॉक, यहाँ स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ आपको थोड़ा सा कुछ भी सामान वगैरह में भी स्पेस दिया जाता है। इसमें आपको कोई भी बोतल होल्डर देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इंटीरियर में जाकर कैसे आपको इस इंटीरियर देखने को
इंटीरियर देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ आपको स्कॉर्पियो क्लासिक क्लास 11 का इंटीरियर देखने में मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है। अब बात करते हैं इसके इस साइड से, यहाँ आपके ORVMs के कंट्रोल, ये आपके हेडलाइट डिफरेंसेस, पेट्रोल लाइट ओपन करने के लिए, ये आपके डिफॉगर्स ऑन करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग के बारे में, ऐसे कुछ आपको स्टेयरिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी, पहले ही जैसे पहले स्टेयरिंग आती थी इसमें, आज भी वैसी ही आती है, क्योंकि इसमें आपको इसका इंटीरियर में लोगो चेंज, जो महीना का नया लोगो है वो डाल दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके MID, आपको स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की MID देखने को मिलती है, जो काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। ये आपका RPM मीटर है, इधर आपका स्पीडोमीटर है, और ये आपकी डिस्प्ले है, यहाँ पे वार्निंग लाइट्स हैं, ठीक है। और बात करते हैं अब इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में, जो कि आपको एंड्रॉयड सिस्टम में दिया जाता है, जो कि मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ये मेड इन चाइना वाली चीज़ है, ठीक है। AC वेंट्स आपको उसमें कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलती है, ऐसा कुछ आपको उसमें डैशबोर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में, ऐसा कुछ आपको उसमें क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, यहाँ आपके हैजार्ड लाइट के स्विच, ठीक है। यहाँ आपको आपको वुडन फिनिश में आपको पूरी गाड़ी में आपको यहाँ पे वुडन फिनिश देखने को मिलते हैं। ये आपका ट्रांसमिशन है, जो कि आपको नया ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में, 12B का यहाँ पे आपको 12B का सॉकेट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्कॉर्पियो की बेजिंग, ऐसा आपको उसमें ग्लो बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि छोटा सा है, थोड़ा सा समय आपको देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ORVMs के बारे में, जो कि ऐसा आपको नॉर्मल ORVM देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा कुछ आपको सनसेट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर, और इधर आपको मिरर के साथ में ही सनवाइज देखने को मिलता है, ऐसे कुछ आपको इसमें डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ स्टोर रखने के लिए स्पेस, मैनुअल हैंड ब्रेक, ठीक है, आर्मरेस्ट, आपको आर्मरेस्ट दोनों ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंफर्ट रखने के लिए थोड़ा कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं इसके और उन लुक के बारे में, अंदर से कैसी गाड़ी आपको लगती है, ठीक है। मेरे को इन माई पर्सनल मुझे बहुत अच्छी ये गाड़ी लगी है, ठीक है। ऐसा कुछ आपको इसके इंस्ट्रूमेंट से क्लस्टर देखने को मिलता है, जो एंड्रॉइड ऑटो एपल क्लास प्ले की के साथ में देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ उसका रियर स्पेस कितना, इसमें आपको रियर स्पेस ऑफर किया जाता है, ठीक है। और फिर मैं आपको बताता हूँ उसके ओवरऑल लुक्स के बारे में, ऐसा कुछ आपको रियर पैसेंजर साइड डोर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डोर को ग्रिप करने के लिए पावर विंडोज कंट्रोल फैब्रिक, यहाँ पे आपको कुछ सामान वगैरह रखने के लिए आपको बोतल होल्डर भी दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पीछे का कैसा स्पेस दिया ऑफर किया जाता है, ठीक है। इस गाड़ी में आपको काफ़ी ठीक ठाक है, इसमें लेग रूम भी ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है, ठीक है। और ऐसा कुछ आपको इसमें इसका डैशबोर्ड पीछे देखने को लगता है, जो काफ़ी अच्छा मेरे को, काफ़ी प्रीमियम है देखना पता है। पीछे उसमें एसी वेंट्स भी दिए गए हैं, कप होल्डर, इसमें आपको पीछे को हैंड्रेस भी दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको सीट का बस ऐसा एक्सेसरी लगे हुए हैं, और रिंग लाइट आपको ऐसे यहाँ पे ना देखे, यहाँ पे रखी है, आपको दो रिंग लाइट इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रियर में जैकेट की, इतना आपको इसमें रियर में भी स्पेस मिलता है। आप जानते हो ये एक स्कॉर्पियो एक 7-सीट गाड़ी है, ऐसा कुछ आपको उसके रियर में स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है। आपको इसमें आमने सामने ही दोनों जो पैसेंजर्स होंगे, जो आमने सामने ही देखने को बैठते हैं, ठीक है। इसमें आपको तो वो भी मिलता है, सबवूफर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको इसका इंटीरियर देखने में लगता है पीछे से, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए हैंडल भी दिया गया है, ठीक है। काफ़ी मतलब काफ़ी ऊँची ये गाड़ी आपको लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। ऐसी कुछ आपको उसकी साइड प्रोफाइल देखने को मिलती है, इसी में आपको एमओक की बेजिंग भी देखने को मिलती है, जो कि महिंद्रा का काफ़ी सालों से लगा इसमें इंजन एमओक इंजन ही आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, ठीक है। क्या क्या इंजन इसमें इंजन स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, उससे पहले मैं आपको एक बार इसका बूट स्पेस चेकआउट करवा देता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि आपको इन सीट्स को फोल्ड करने के बाद में, ठीक है, इन सीट्स को फोल्ड करने के बाद में 460 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पेट्रोल टैंक के बारे में, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके, ये आपकी BS6 गाड़ी है, इसमें आपको DF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड एक साइड देखने को मिलता है, प्लस आपको राइट साइड तक देखने को मिलता है DF का वो, और इस साइड आपको देखने को मिलता है डीजल फ्यूल टैंक के लिए। इस गाड़ी में आपको 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो आपको मैं भी बताता हूँ। आपको स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का इंजन भी देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको इंसुलेशन भी दे रखी है, ठीक है। ये इंजन आपका 2100
2184 सीसी का देखने को मिलता है, फोर सिलेंडर एम हुक इंजन देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ा है, काफी बेहतरीन ये आपको देखने को मिलता है। इस गाड़ी में आपको 130 की बीएचपी, 130 की बीएचपी और 300 एनएम का टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करती है, जो कि काफी पावरफुल है, काफी बढ़िया है। इस गाड़ी में आपको हाइड्रोलिक्स भी दिया जाता है, जो कि स्कॉर्पियो क्लासिक स्कॉर्पियो एन में नहीं दिया जाता है, जो कि इसका इसके टॉप मॉडल से 2 लाख रुपये महंगा आता है। ठीक है, ये मेरे को काफी अच्छा इस गाड़ी का लगता है और काफी अच्छा फीचर है मेरे को लगा, जो काफी मेहनत नहीं करनी पड़ती इस गाड़ी में आपको। ठीक है, और ऐसा कुछ आपको इसका सामने से देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। ठीक है, ये आपको केएस मोटर्स दौसा में, केएस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड दौसा में, ठीक है, 19,22,000 की देखें ऑन रोड देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। मेरे को ये मतलब ये गाड़ी आपको पहले से जो स्कॉर्पियो एस नंबर आपका उससे ये गाड़ी आपको सस्ती कर दी गई है, मतलब कुछ इसमें आपको पैसे कम किए गए हैं। ठीक है, और कैसी लगी गाड़ी आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। ठीक है, इस गाड़ी को बदमाशों की गाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन वो ब्लैक कलर में जब ये गाड़ी आती है, इस गाड़ी की अपनी एक अलग ही पहचान है, समझ रहे हो, मतलब हम इस गाड़ी की मतलब महिंद्रा को इस गाड़ी ने और एक बोलेरो ने अपने दम पे उठाया है। ये स्कॉर्पियो गाड़ी का मॉडल का नेम नहीं है, ये एक ब्रांड है, ब्रांड बन गया है, महिंद्रा से ऊपर एक स्कॉर्पियो का ब्रांड बन गया है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी कुछ थी आपकी महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक S1 S11, जो कि कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको अगले वीडियो में कौन सी गाड़ी चाहिए ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।